हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ समता छापरिया और इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ मेरा स्टे एट सवॉय ऊटी में। ये एक ब्रिटिश प्रॉपर्टी है और यहाँ पे मेरा बहुत ही बेहतरीन सा स्टे हुआ है। ये ऐसे रो हाउस टाइप ऑफ ब्रिटिश टाइम के, मतलब ये है ब्रिटिश टाइम के हाउसेस है। बहुत ही प्यारी प्रॉपर्टी है, बहुत ही वेल मेंटेन्ड है। आप देख सकते हो लॉन कितना साफ़ सुथरा और ब्यूटीफुल, बहुत सारे ब्यूटीफुल प्लांट्स, फ्लावर्स, सब कुछ आपको देखने को मिलेगा इस प्रॉपर्टी में। तो ये था मेरा रूम और जैसे ही हम जाए तो वुडन फ्लोरिंग है, अंदर वॉल्स और पेंट वगैरह सब बहुत अच्छे से मेंटेन्ड है। ये है कुछ मेरे रूम का नज़ारा। कलर बहुत ही बेहतरीन सा है, लाइट येलो और ये पिस्ता कलर, और इसमें ये वुड वर्क। यहाँ पर आप देख सकते हो ये फायर रखने के लिए जगह है, तो वो लोग आपको वुड्स देंगे और आप यहाँ पे उन्हें बोलकर फायर जला सकते हो। और ये है कुछ कपड़े रखने के लिए, फर्नीचर जैसे बनाया है कबर्ड्स। और आप इस प्रॉपर्टी में ना कहीं पे भी जाइए, आपको एक ऐसे हैंड टाइप पेंटिंग्स, वाटर पेंटिंग्स बोल सकते हो या क्या पता नहीं, पर ये शायद पुराने ज़माने की पेंटिंग्स है, बहुत सुंदर लगती है फूलों वाली पेंटिंग्स। मैंने इसकी एक सेपरेट क्लिप भी ली है, आपको शायद बाद में दिखाई देगी। बहुत सुंदर सुंदर पेंटिंग्स है, बिल्कुल फ्रंट में और रूम्स में भी दी गई है ऐसी पेंटिंग्स। तो ये है इस रूम का नज़ारा कुछ एक एंगल से, बहुत सुंदर नज़ारा है। ये है उसका बाथरूम। बाथरूम बहुत ही कंफर्टेबल, मार्बल फ्लोरिंग है बाथरूम में और क्लीन था, अच्छा खासा फंक्शनल बाथरूम था। सब कुछ चीज़ें अवेलेबल करी थी यहाँ पर और सुंदर इसका बहुत मेंटेन्ड वेल प्रॉपर्टी है। तो मैं रेडी हो रही हूँ कुछ फ़ोटो वगैरह शूट करने के लिए बाहर, क्योंकि अब यहाँ आए हैं तो इतने सारे फुलवारीज हैं यहाँ पर, फूल हैं और इतने अच्छे अच्छे प्यारे बगीचे हैं। इस प्रॉपर्टी का मैं नज़ारा आपको ऐसे घूम के हम दिखा रहे हैं अभी। तो इस तरीके से बिल्कुल विंटेज टाइप आपको फील आएगी यहाँ पर इस प्रॉपर्टी में। पाथवे ऐसे बनाई गई है, तो हम अब फ्लैट्स में रहते हैं तो कुछ डिफरेंट आपको देखना है तो आप इस प्रॉपर्टी को चुन सकते हो। आपको ऐसे रो हाउस टाइप एक्सपीरियंस लेना है तो डेफिनेटली इट्स अ वेरी वेरी गुड स्टे हियर। और बहुत सारे, मतलब आउटडोर्स के लिए सिट आउट है और फ्लावर्स के छोटे छोटे श्रब्स हैं हर रूम्स के बाहर। इससे ये रूम्स का नज़ारा और भी बढ़ जाता है, बहुत सुंदर लगता है। और ये कश्मीरा सब घूम के दिखा रही है अभी कैसे कैसे है। और ये रहा लॉन, और ये एक कोने में जगह है जहाँ पर रैबिट्स रखे हुए हैं। ये हमेशा वहाँ पर जाती थी और रैबिट्स को फीड करती थी, और इसमें से ये करने में इसे बहुत मज़ा आता था। बहुत सारे डिफरेंट ब्लैक, वाइट, चॉकलेट कलर और मिक्स टाइप के रैबिट्स हैं यहाँ पर, तो ये इसे फीड करती थी हमेशा। और गूस भी है और फिशेस भी है, फिशेस को भी इन्होंने काफ़ी सारे फिशेस को फीड करा। तो इसी में इस इन लोगों का टाइम पास हो गया कि ये रैबिट्स है, तो बच्चों को बहुत मज़ा आया वो रैबिट्स को देखकर। रैबिट्स बहुत ही प्यारे प्यारे थे। और यहाँ पे एक छोटा सा पार्क जैसे है बच्चों के लिए। लॉन बहुत ही बढ़िया है, लॉन एरिया वॉज वेरी ब्यूटिफुल। और ऐसी जो लाइट कलर की जो ग्रास है ना, वो बहुत ही बेहतरीन दिखती है लॉन में। तो कश्मीरा अभी सब घुमा के हमको दिखा रही है कि क्या क्या कैसे कैसे है। तो बहुत ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी है यहाँ पर।
और इसे बहुत मज़ा आया इसे यहाँ पर घूमते हुए, और मैं भी बहुत खुश थी क्योंकि जिम था तो ढेर सारा लंच हुआ था और डिनर भी हुआ था, तो मैंने जिम में वर्कआउट मतलब ट्रेडमिल की, बस उसी में मुझे बहुत खुशी मिली कि आई वॉज़ एबल टू डू ट्रेडमिल ओवर हियर। और क्रॉस फिट भी है, एक्लिप्स बोलते हैं जिसे, वो क्रॉस ट्रेनर भी है यहाँ पर, और कुछ छोटा अलग जिम का सामान भी है, वेट्स भी है, वो सब मैंने नहीं करा, पर आई डिड द क्रॉस फिट एंड द ट्रेडमिल, तो वो सब कुछ यहाँ पर था। और पानी का इंतज़ाम सब कुछ अच्छे से कर रखा था। तो ये है जिम के वेट्स जो कि हमने उस तरफ देखा भी नहीं, साइकिल भी है, क्रॉस ट्रेनर भी है, और ये दिस वाज रियली वेरी ऑसम। ये हर रूम में होता है, आप लोग इन लोगों को बुलाकर ये वुड्स ऐसे जला सकते हो, उससे हीट वार्म रहता है रूम। और ये हम चल के प्रॉपर्टी का पूरा नज़ारा, फूल सारे दिखा रहे हैं, बहुत सुंदर सुंदर कलर के फूल है, द पिंक, लाइट पिंक, वाइट कलर, वो सब फूल देख के बहुत ही दिल खुश हो जाता है। मुझे लगता है बिल्कुल ऐसे लंदन टाइप जो फूल होते हैं ना, डेजी और पता नहीं क्या क्या, पर ऐसे टाइप की फीलिंग मुझे आ रही थी। लॉन वॉज़ वेरी ब्यूटिफुल, और चेयर्स ये सब लगे हुए थे यहाँ पर। ये एक छोटी सी रेलवे बनाई थी, और यहाँ पे ना रात में कैंप फायर भी हुआ था, वो भी बहुत अच्छे से हुआ था, और बच्चों के लिए हॉर्स राइडिंग भी हो रही थी, या इसी जगह में कैंप फायर हुआ था, और बैठने के लिए अच्छे खासे वुड्स भी हैं, और इस एरिया में है फिशेस। यहाँ पर फिशेस को हम फीड कर सकते हैं, तो हम लोग ये सब प्रॉपर्टी को ऐसे घूम के जस्ट दिखा रहे हैं कि कैसी है। बहुत सुंदर सुंदर फूल, फूलों का यहाँ पे मतलब बहुत प्लेजेंट एनवायरनमेंट है। और जब हम ये सिट आउट एरिया मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, जैसे ही गेस्ट आते हैं तो वो यहाँ पे बैठ सकते हैं, और यहाँ पे पोंगल फेस्टिवल सेलिब्रेशंस हो रहे थे, इसीलिए ये सब रंगोली और ये फूल के डेकोरेशंस चल रहे हैं। तो जब हम चेकआउट करने वाले थे उसी दिन ये हो रहा था, और यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे गेम्स, चेस, ये सब सबका इंतज़ाम है सिट आउट एरिया में। बच्चों के लिए साइकिलिंग भी थी, तो कश्मीरा ने अच्छी खासी साइकिलिंग करी यहाँ पर, एंड दिस इज़ अनदर पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी, लाइक इट्स अ ह्यूज पार्ट, ह्यूज प्रॉपर्टी, तो ये भी एक दूसरा साइड है, मतलब हमारा जो रूम था उसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड में था, और वहाँ पे भी एक ऐसे छोटा लॉन है, और अर्जुन और मेरे हस्बैंड ने क्रिकेट और फुटबॉल भी खेला, तो अर्जुन को तो हमेशा क्रिकेट या फुटबॉल ही खेलना था इस पूरी जर्नी में, या फिर राइफल शूटिंग फॉर द बलून्स, दैट्स व्हाट ही वाज इंसिस्टिंग ऑन, मतलब पूरा का पूरा उसका ध्यान खेलने पर ही था, और बाकी उस खाने पीने में या किसी और चीज़ में उसको कोई इंटरेस्ट नहीं था। दिस लॉन वॉज़ वेरी गुड फॉर हिम, और यहाँ पे इन्होंने क्रिकेट खेला, फुटबॉल भी खेला है, उसका मैंने क्लिपिंग शायद इसमें डाला नहीं है, पर फुटबॉल भी खेली है, और हॉर्स राइडिंग भी करी, वो सब में उसको बहुत इंटरेस्ट था। तो अब ये क्लिप में पोंगल सेलिब्रेशंस, ये रंगोली बहुत प्यारी रंगोली बनाई गई है यहाँ पर, देखिए बहुत ही सुंदर डेकोरेशन किया है पोंगल के लिए। तो इट वाज़ अ वेरी एक्सीलेंट स्टे हियर। और मैं पेंटिंग्स की बात कर रही थी, तो मैंने पेंटिंग्स की क्लिपिंग्स भी ली, बहुत ही ब्यूटीफुल पेंटिंग्स है ये, पता नहीं पुराने ज़माने की है या क्या, बट द पेपर सीम्स टू बी वेरी डिफरेंट,
और ऐसे मतलब ट्रेन की इंफॉर्मेशन और नीलगिरीज की कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ पे उन्होंने लगाई है। ओल्ड फोटोग्राफ्स या पेंट टाइप भी है यहाँ पर। डाइनिंग वॉज एब्सोल्यूटली फाइन हियर। सो दिस वॉज अनदर पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी विच वॉज ऑन द लोअर ग्राउंड्स। सो दैट्स वॉट आई गॉट टू सी विच इट हैज़ अ वेरी गुड लॉन अगेन। सो द ब्यूटी ऑफ दिस प्रॉपर्टी इज़ दैट इट इज़ हैविंग अ ब्यूटिफुल यू नो व्हाट यू से लाइक अ लेआउट। उसका जो एक ऐसे कमरा जो घर जैसा और फिर सामने बड़ा सा लॉन दैट इज़ गिविंग अ वेरी ब्यूटिफुल ब्यूटी टू दिस प्रॉपर्टी। मतलब ये तो ब्रिटिश टाइम की प्रॉपर्टी है एंड इट्स लाइक मेंटेन्ड एज इट इज़ एंड इट्स केप्ट वेरी वेल। सो शी इज़ डूइंग साइकिलिंग एंड शी एंजॉयड डूइंग साइकिलिंग इन दिस क्लाइमेट। क्लाइमेट वॉज एब्सोल्यूटली प्लेजेंट। रात में तो 7 डिग्रीज 10 डिग्रीज ऐसे क्लाइमेट होती थी। और हमने ये मुदुमलाई जंगल में भी सफारी की एंड दिस इज़ वॉट वी हैव सीन। दिस इज़ सर्टन क्लिप्स। तो हमने जीप जैसे उसमें सफारी की थी एंड इट वॉज़ अ वेरी गुड एक्सपीरियंस उसमें बैठ के सफारी करना। तो हमने बहुत सारे मंकीज़ और एलिफेंट्स और वो सांबा डियर देखे एंड वी वो होपिंग टू सी द लायन और टाइगर। बट वी हैड बीन देयर इन द आफ्टरनून टाइम। तो आफ्टरनून टाइम में तो लायन या कुछ दिखना बहुत ही मुश्किल चीज़ है। तो हमें तो कोई लायन वगैरह नहीं दिखा लेकिन हाँ वल्चर फिर एलिफेंट्स। ये तीन एलिफेंट्स लाइक इट वॉज़ लाइक अ एलिफेंट फैमिली। द मदर फादर एंड द चाइल्ड ऐसे लग रहा था। बहुत ही सुंदर ये फैमिली एलिफेंट फैमिली। और वो लोग ना रुक रुक के पोज भी कर रहे थे फोटो के लिए। बहुत मुझे देख के अजूबा लगा। इट वॉज़ वेरी नाइस। ये कुछ वल्चर जैसे था पॉन्ड के पास में। और हमने दूर से कहीं दूर से बेसन को भी देखा। बेसन या इंडियन गोअर उसको हमने बहुत दूर से देखा। तो उसकी फ़ोटो लेना तो बहुत मुश्किल है। फिर हम एक कोई तो स्टोन म्यूज़ियम भी गए। वहाँ पर हमें ये ट्राइबल इनके सारे औजारे उनके सारे कपड़े और सब उसका सब इंफॉर्मेशन हमको देखने को मिला विच वॉज़ लाइक रियली नाइस। इट इज़ अ वेरी गुड हेरिटेज दैट इज़ बीन प्रिजर्व्ड एंड बहुत अच्छा अच्छे तरीके से इंफॉर्मेशन डिस्प्लेड थी। तो ये उनके क्लोथिंग्स और बागास और कोटा ट्राइब के बारे में सारी इंफॉर्मेशन उन्होंने जो गैदर की थी और पिक्चर्स जो थे वो सब हमें देखने को मिले। फिर इनके म्यूज़िकल इक्विपमेंट्स और फिर ऐसे वो जो मनुस्क्रिप्ट्स जो पाम लीव्स की वो मनुस्क्रिप्ट्स भी वहाँ पर थी। और ये कुछ ट्राइब्स के फोटोग्राफ्स थे। तो आई फेल वेरी नाइस सीइंग दिस इंफॉर्मेशन। पनियास ये पनियास ट्राइब बागास कोटास ये सब ट्राइब की इंफॉर्मेशन इन्होंने यहाँ पे अच्छे से प्रिजर्व करके रखी है। ये कोटा पॉटरी पॉटरी और ये कुछ कपड़े। ये तो मुझे मतलब देख के ऐसे लगा बिल्कुल रेड इंडियंस जैसे लग रहे थे। मतलब कपड़े भी और उसका वो जो लुक था वैसा भी। सो इट वाज रियली ऑसम टू सी हाउ दे हैव प्रिजर्व द ड्रेस। और मुझे तो ड्रेस बिल्कुल ही मतलब वो लगी उसका कलर कॉम्बिनेशन लाइक रेड ब्लैक एंड वाइट बहुत ही अच्छा लगा उसका कलर कॉम्बिनेशन। और ये कुछ पॉटरी जो उन्होंने बनाई थी वो सब प्रिजर्व्ड है। ये कुछ कुछ आजकल के ज़माने में भी दिखाई देती है लेकिन ये जो ऐसे पतले टाइप के औजारे हैं वो तो मतलब बहुत पुराने टाइम की होंगे। सो दिस इज़ अगेन हाउ दे वर सेलिब्रेटिंग।
सारी इन्फॉर्मेशन बहुत ही बढ़िया तरीके से प्रिजर्व करके रखी है। ये म्यूज़ियम देख के बहुत ही अच्छा लगा। और ये देखिए सारे औजारे, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने मतलब वो कर ली, नोट कर ली, और मुझे बहुत अच्छा लगा वो देख के। ये म्यूज़ियम मुझे बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लगा। सारे ट्राइब्स की इन्फॉर्मेशन इन्होंने अच्छे से प्रिजर्व करके रखी है। फिर उसमें मैप भी था ऊटी का, और सराउंडिंग एरियाज़ के बारे में बहुत सारा इन्फॉर्मेशन उन्होंने दिया था। तो अगर आप ऊटी जा रहे हो तो ये वाले म्यूज़ियम में ज़रूर जाना। इट्स रियली अ गुड प्लेस टू सी ऑल द डिफरेंट इन्फॉर्मेशन। ऐसे फोटोग्राफ्स और पिक्चर्स जो है वो उन्होंने अच्छे से फ्रेम करके रखे हैं। इवन द म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, सॉरी, तो ये पनियास ट्राइब, लाइक डिफरेंट डिफरेंट ट्राइब्स की इंफॉर्मेशन वो एक एक रूम में इन्होंने प्रिजर्व करके रखी है। और उनके जो गहने थे, फिर वो खाना बनाने के लिए जो यूज़ करते थे, वो सब उन्होंने वो सब अच्छे से रखा है यहाँ पर। और ये ड्रेसेस, ये शॉल मुझे कहीं पर भी मार्केट में, लाइक आई डिड नॉट सी, बट आई रियली लाइक द कलर कॉम्बिनेशन। इट वॉज रियली इट्स रियली ब्यूटिफुल। और यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है वो सब अच्छे अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन है। तो ये म्यूज़ियम का नाम है स्टोन म्यूज़ियम। अगर आप ऊटी में हो या ऊटी जा रहे हो तो आप ये म्यूज़ियम ज़रूर जाना। ये मार्केट प्लेस से थोड़ी सी नज़दीक में ही है, बहुत दूर नहीं जाना पड़ेगा आपको। और वैसे तो हमने डोडा बेटा और कुछ मार्केट एरिया वो सब भी, हमने ये डोडा बेटा पॉइंट ये सब भी, और रोज़ गार्डन भी देखा। तो रोज़ गार्डन में फूल बहुत सारे मुरझाए हुए थे, उसमें कुछ ज़्यादा मज़ा नहीं आया। बट ओवरऑल द ट्रिप वॉज़ वेरी ऑसम। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। मीट यू सून इन अनदर वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड